Hello friends, welcome to my channel. So today you are going to know about the why hand wash is so important and what is the chemistry behind it. Iske piche kya chemistry hai, hume kyu bola jata hai bar bar hand wash karne ke liye. Okay, so iski chemistry janne ki koshish karenge hum. Okay, so now at the time of global pandemic of COVID-19, we all are been advised by our authorities to wash our hands in regular interval of time. हमें बार बार बोला जाता है कि हैंड वॉश करो, 20 सेकंड तक हैंड वॉश करने के लिए WHO ने भी हमें सजेस्ट किया है. ओके, सो नाउ यू नो दैट वॉशिंग ऑफ हैंड इज गुड फॉर अवर हाइजीन, बट देर इज एनी केमिस्ट्री बिहाइंड इट. इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है क्या? ओके, ये हमें जानना जरूरी है. ओके, कभी आपने जानने की कोशिश की है क्या? तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड हाउ वॉशिंग ऑफ हैंड इज गोइंग टू किल दिस डेडली कोरोना वायरस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो सबसे पहले फॉर दैट वी हैव टू नो अबाउट द स्कीमेटिक डायग्राम और वायरस के, कोरोना वायरस के हम स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस. तो यहाँ पर अगर हम इसका सेक्शन अगर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ओके, तो ये इसके बाद इसके जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले स्पाइक प्रोटीन होता है जो आपको पीले कलर का, येलो कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्पाइक प्रोटीन. ओके, जिसका यूज़ वायरस किस लिए करते हैं? इसका यूज़ जो हमारी सेल है, बॉडी के सेल्स है, उस सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए इस स्पाइक प्रोटीन का ये इस्तेमाल करते हैं. ओके, हमारे बॉडी में ये एंट्री कर लेते हैं. ओके, इसके बाद ये जो एनवल प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको, ये राउंड कलर का, ओके, पिंकिश कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एनवल प्रोटीन. उसके बाद मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट होता है, ये मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड प्रोटीन से बना होता है. ओके, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, जो है RNA. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वायरस, किसी भी वायरस का. इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है. ओके, जेनेटिक कोड. ओके, ईच एंड एवरी वायरस हैज अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जेनेटिक कोड. प्रत्येक वायरस के जेनेटिक कोड अलग अलग होते हैं, उससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखाई देती है हमें. अलग अलग वायरस के फंक्शंस अलग अलग है. हमारे बॉडी में जब वो एंटर करते हैं तो कुछ अलग अलग के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कोड. ओके, ये तो था स्ट्रक्चर. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप. जो हम सोप यूज़ करते हैं हैंड वॉश करने के लिए, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है? ये जो सोप है दो मॉलिक्यूल से बनी होती है. एक होता है हाइड्रोफोबिक हेड और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक हेड पहला होता है, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल. ओके, तो यहाँ पर जो पार्ट, सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड. दिस अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाटर, वाटर की तरफ अट्रैक्शन शो करता है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, वाटर की तरफ अट्रैक्शन शो करना. ओके, वाटर लविंग होता है ये. ओके, और ये जो टेल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल. दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द फैट, लिपिड और प्रोटीन. ओके, ये तो था. अब देखो ये जो वायरस है, वायरस के जो ये जो पार्ट है उसका, जो मैंने बताया था आपको स्पाइक प्रोटीन, ये क्या करते हैं, उसका काम क्या है? हेल्प द वायरस एंटर्ड इन टू द सेल, सेल के अंदर एंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, ये है सोप के मॉलिक्यूल्स. ओके, अब देखते हैं इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट. अभी देखो ये इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? वाटर लिया है. ओके, और हमने यहाँ पर सोप सॉल्यूशन डाल दिया है. सोप का सॉल्यूशन अगर डाल दिया, इसमें अगर डर्ट है या वायरस प्रेजेंट है तो इसको क्या करेगा? वो ट्रैप कर लेगा. ओके, ये जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स है, मिसल्स है, हम इसको मिसल्स भी बोलते हैं. ओके, मिसल्स बोलते हैं हम इसको. मिसलाइजेशन प्रोसेस होती है यहाँ पर. ओके, बबल्स के फॉर्म में ये क्या करते हैं, ये जो डर्ट है, डर्ट और जो वायरस है या बैक्टीरियाज है, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं. ओके, इस यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं और ये डर्ट पार्टिकल है पीले कलर का. ओके, इसको ट्रैप कर लिया है. तो देखो यहाँ पर अब ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, देखो
टैप करने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, ओके। तो ये जो टेल पार्ट है वो अट्रैक्शन शो करेगा इसके तरफ, इसको क्या कर देता है ये जो मॉलिक्यूल्स है टेल पार्ट, इसको ब्रेक कर देता है, इस मेम्ब्रेन को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। इससे क्या होता है, ये मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाता है तो ये जो वायरस है वायरस डेड हो जाता है, ओके, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ओके। तो इसीलिए हमें बोला जाता है, WHO ने भी हमें बोला है, WHO ने भी हमें बोला है कि 20 सेकंड तक क्या करो आप, हैंड वॉश करो। इससे क्या होगा, जो वायरस की वायरस का जो ऊपर का जो पार्ट है मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ओके। तो इसलिए हम अलग अलग तरह की साबुन यूज़ करते हैं। कौन सी साबुन बेस्ट रहेगी, तो ईच एंड एवरी सोप इज़ बेस्ट फॉर हैंड वॉश, ओके। हम सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम जनरली सैनिटाइजर जो यूज़ करते हैं हमारे घर में, तो वो होता है ओके सैनिटाइजर, इसमें इथिल अल्कोहल होता है 60%, ओके। इससे हमें मदद मिलती है ओके वायरस को मारने के लिए, ओके। सो अगर ये आपको समझ में आया है ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।